फिल्म का गाना टाइटल जिंदगी की यही रीत है आखिर कैसे बना? क्या श्रीदेवी नहीं चाहती थी कि फिल्म मिस्टर इंडिया की कोई रीमेक आए? मिस्टर इंडिया अपने सीक्वल से आखिर कैसे अलग है? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका और लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीक्राट स्टूडियोज की फ्रेश न्यू वीडियो, जहां हम बात करेंगे फिल्म मिस्टर इंडिया 2 के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हाल ही में फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने ये घोषणा की कि वो शेखर कपूर की 1987 की ब्लॉकबस्टर एपिक फिल्म मिस्टर इंडिया पर काम करेंगे। जी हाँ, वही मिस्टर इंडिया जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी ने अभिनय किया था। लेकिन जफर की इस अनाउंसमेंट के बाद तो जैसे रिएक्शंस की चेन ही बन गई। सोनम कपूर ने अपने पिता यानी कि अनिल कपूर के बिना जानकारी होने के बाद जफर के इस पिक्चर को आगे बढ़ाने की बात पर अपने गुस्से को उन पर जाहिर किया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या श्रीदेवी भी इस फिल्म का रीमेक चाहती थी। दरअसल ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि उन्होंने पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इस फिल्म की कोई रीमेक बननी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का कोई भी रीमेक या फिर सीक्वल बनना चाहिए। ऐसी फिल्में तो बस बन जाती है। जब हम इस फिल्म में काम कर रहे थे तो हमें भी नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। वो हैप्पी मोमेंट्स थे जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता। वहीं इस बात से हाथ साफ करने के लिए या फिर सच में, लेकिन अली अब्बास जफर ने ये दावा किया है कि मिस्टर इंडिया 2 ना ही फिल्म मिस्टर इंडिया की सीक्वल है और ना ही किसी और फिल्म की रीमेक है। ये बिल्कुल अलग और हटकर होने वाली है। और तो और, इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स होंगे वो भी एवेंजर के कैरेक्टर से मिलते जुलते नजर आएंगे। जहाँ पर मिस्टर इंडिया में घड़ी का इस्तेमाल दिखाया गया था, वहीं इसके जगह यहाँ पर यानी कि मिस्टर इंडिया 2 में रिंग का इस्तेमाल दिखाया जा सकता है। वहीं अब फिल्म में गानों की बात की जाए तो मिस्टर इंडिया का एक बहुत ही फेमस गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। अब आने वाली मिस्टर इंडिया 2 कहें या फिर कोई और टाइटल होगा, ये धुन हमें वहाँ जरूर सुनाई देगी। हालांकि इसके बोल अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इस गाने के पीछे भी एक कहानी है, चलिए वो मैं आपको सुनाती हूँ। दरअसल आज से ठीक 34-35 साल पहले जब अनिल कपूर ने अपने इस फिल्म की जर्नी की शुरुआत की थी तो वो हर डिटेल चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब उन्होंने इस गाने की धुन सुनी तो उन्होंने सिर्फ एक ही आवाज को इमेजिन किया। आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी आवाज होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही, किशोरदा। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस वक्त किशोर कुमार और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक साथ काम नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से अनिल कपूर ने महीनों की कोशिशों के बाद उन दोनों के बीच में पैचअप करवाया। वहीं अभिनेता अनिल कपूर का मानना है कि इस गाने का मतलब भी आज के समय में उतना ही है, यानी कि लाइफ कठोर जरूर हो सकती है लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, इसीलिए बी काइंड टू अदर्स एंड डू राइट थिंग्स। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस फिल्म की और ग्लैमरस दुनिया की नई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।